Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is a compact video on the subject of costing, and we are going to discuss about the basics of all the chapters. So chapter number 1 जो है आपका काफ़ी important जो exam से related है और वो है कॉस्ट शीट. अगर हम कॉस्ट शीट की बात करें तो इस चैप्टर में 3 लेवल्स है, लेकिन आपको ये जो सेकेंड और थर्ड लेवल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज उसी से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. दिस चैप्टर विल कैरी 20 मार्क्स. तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो डाला था अबाउट द फॉर्मेट, अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो वो चेक करें. इस चैप्टर में से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होंगे एक तो यूनिट्स लेवल पे या तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो पिछले 2-3 सालों में एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है. तो आप अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को ध्यान से पढ़े तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट से रिलेटेड भी बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे. एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट जो है उसमें आपको 2 कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी होती है. अगर आपका फर्स्ट कॉस्ट शीट में अगर आपने कुछ रॉन्ग कर लिया तो सेकेंड कॉस्ट शीट भी रॉन्ग हो सकता है. यूनिट्स लेवल की अगर हम बात करें तो यूनिट्स लेवल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर फोकस करना है वो है अगर आप प्रोडक्शन और सेल्स को काउंट सही तरीके से करें. जैसे उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर हम सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करें, यूनिट्स सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्शन. और अगर कभी आपके पेपर में प्रोडक्शन दिया है और सेल्स आपको ढूंढना है तो उल्टा करना है, मतलब प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यू विल गेट सेल्स. तो आपको सेल्स इन यूनिट्स और प्रोडक्शन इन यूनिट्स बहुत ज़रूरी है. 2 में से 1 पॉइंट आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, उस बेस पे आप सॉल्व कर सकते हैं. दिस चैप्टर विल कैरी टोटल 20 मार्क्स इन द पेपर. तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखे, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड पढ़ के जाए, बिकॉज इफ यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर रिलेटेड टू कॉस्ट शीट यू विल ईजिली स्कोर 20 मार्क्स इन दिस. सिर्फ पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम मार्क्स पोस्टिंग के मिल सकते हैं, बिकॉज जो भी आप पॉइंट्स लिखने वाले हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो सभी चीज़ों में आपके जितने भी पॉइंट्स राइट रहेंगे उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको मार्क्स मिल पाएंगे. अब कॉस्ट शीट की अगर बात करें तो उसमें 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं, 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं. एक होता है आपके वेरिएबल एक्सपेंस, एक होता है आपके फिक्स चार्जेस, फिक्स कॉस्ट. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 आपके वेरिएबल होंगे. इसके लिए कभी भी आपको बोला कि ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 10%, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसका इंक्रीज या उसका डिक्रीज हमेशा पर यूनिट में होता है. तो डायरेक्ट मटेरियल को आपको पर यूनिट में इंक्रीज करना है, डायरेक्ट वेजेस को भी आपको पर यूनिट में इंक्रीज करना है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आपको पर यूनिट में इंक्रीज करना है. बाकी के पॉइंट्स जैसे एडजस्टमेंट्स आएंगे वैसे आप कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिकंसिलेशन. रिकंसिलेशन के ऊपर ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे, सिंस रिकंसिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपका बेसिक्स कॉस्ट शीट का क्लियर है तो ही आप रिकंसिलेशन सॉल्व कर सकते हो. अब लास्ट ईयर के पेपर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर पेपर में रिकंसिलेशन अलग से 20 मार्क्स का पूछा गया था, अलग से 15 मार्क्स तभी था, और कॉस्ट शीट अलग से 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था. तो रिकंसिलेशन के लिए सिंपल है, रिकंसिलेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट शीट के ऊपर फोकस कर रहा है. कॉस्ट शीट के बाद आपको डिफरेंस टेबल बनाना है, डिफरेंस टेबल के बाद आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज मटेरियल कॉस्टिंग यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर. देर आर मेनी लेवल्स एक्चुअली. इसमें से अगर देखें तो 2 लेवल के ऊपर क्वेश्चन फिक्स है. एक तो आपका फीफो वेटेड एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आएगा. फीफो वेटेड एवरेज ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन डाल के दोनों मेथड से सॉल्व करवा सकते हैं, या क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बढ़ा के कोई स्पेसिफिक एक मेथड से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कवर होते हैं, रिटर्न टू सप्लायर, या फिर कुछ एक्सेस है, शॉर्टेज है, उस टाइप के एडजस्टमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके रखें, बिकॉज वो टाइप के एडजस्टमेंट्स यूजुअली आपके पेपर में पूछे जाएंगे. बिकॉज ये चैप्टर ऐसा है, फीफो वेटेड एवरेज, जो पहले भी आपके FYSY के सिलेबस में होता था, बट अभी के सिलेबस में और पहले के सिलेबस में अगर कंपैरिजन करें तो अभी यही एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे डेटोरिएशन, शॉर्टेज है, एक्सेस है, रिटर्न टू सप्लायर वाला कंसेप्ट है, सेल्स रिटर्न है, ऐसे वाले पॉइंट्स के एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट जो आपके पेपर से रिलेटेड वैरायटी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. 100% पेपर में आएगा, लेकिन ये ईओक्यू का जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पेपर में
10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ईओक्यू का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाई सी। तो एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। जानबूझ के आपको बहुत सारे कॉस्ट दिए जाएंगे, जैसे होल्डिंग कॉस्ट दिया जाएगा, प्रिफरेज दिया जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया जाएगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट दिया जाएगा। तो उसके ऊपर ध्यान से फोकस करें कि किस में कौन सी चीज़ें को हमें ऐड करना है। ईओक्यू दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, वन इज कॉल्ड टैबुलर मेथड एंड अनदर इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल मेथड। तो आपके पेपर में टैबुलर मेथड के चांसेस थोड़े कम है, ईओक्यू मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही पूछा जा सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। वो रूट वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर के क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ के जाए, और मेन तो उसमें पढ़ने जैसा दो तीन ही पॉइंट है, और वो है आपको ये याद रखना है कि स्टोरेज कॉस्ट में कौन से कॉस्ट कवर होते हैं, कैरिंग कॉस्ट में कौन से कॉस्ट कवर होते हैं अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज द फास्ट मूविंग मटेरियल, स्लो मूविंग मटेरियल, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको तीन टाइप के मटेरियल्स दिए जाएंगे और आपको दिया जाएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाली वैरायटी। तो उसमें ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो आंसर आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखना है, दैट इज मटेरियल कंज्यूम, दैट इज COGS, दैट इज कॉल्ड मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे ढूंढना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। फिर आप उसको फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दोगे तो मटेरियल ए का एक आंसर आ जाएगा, मटेरियल बी का आएगा, मटेरियल सी का आएगा। और नंबर ऑफ डेज में वहाँ कैलकुलेशन करना होता है, तो नंबर ऑफ डेज आपको पेपर में दिए जाएंगे 365 या कभी कभी 360 भी देते हैं, तो जैसे दिए जाएंगे वैसे ले लेना। नेक्स्ट इज लेबर कॉस्टिंग। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है व्हाट टू डू। मुझे भी काफ़ी सारे कमेंट्स मिले, सर लेबर कॉस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाए, मैंने एक वीडियो बनाया है। देखो सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओगे तभी भी आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो लेबर कॉस्टिंग में ज़्यादा वैरायटी नहीं पढ़नी, आपको दो ही वैरायटी पढ़नी, ताकि हम ये चैप्टर भी पूरा ऑप्शन में ना रखें कि इसमें से आपको पढ़ना है। अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरिक का पढ़ना है, मेरिक इंसेंटिव प्लान पढ़ना है, टाइम डिफरेंशियल पीस रेट टेलर का पढ़ना है। देखो दो चीज़ें पढ़ो आप, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बिकॉज अगर दूसरा कुछ आ भी गए तो आप ऑप्शन में रख सकते हैं। एक है हेल्से रोवन प्लान और एक है ग्रॉस वेजेस वाला वैरायटी। ग्रॉस वेजेस 20 मार्क्स में भी डाल सकते हैं, हेल्से रोवन 10 मार्क्स में डाल सकते हैं, तो उतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा काफी इजी चैप्टर, विच इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स कॉस्टिंग। तो ओवरहेड्स कॉस्टिंग के ऊपर कल मैंने एक डिटेल वीडियो डाला था, वो भी आप चेक कर सकते हैं, अगर वो नहीं दिखा तो ओवरहेड्स के बेसिक्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। ओवरहेड्स कॉस्टिंग में आपको पेपर में पूछा जाएगा कि बहुत सारे पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये चैप्टर लास्ट ईयर 15 मार्क्स में आया था, तो एग्जामिनर इस बार ये चैप्टर को 20 मार्क्स में भी कर सकता है या फिर उसको 10 मार्क्स में भी कर सकता है। तो आपको पूछा जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, बहुत सारी लिस्ट दी जाएगी, डिपार्टमेंट दिए जाएंगे और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी इस चैप्टर की अगर बेसिक की रिलेटेड बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे कल एक डाउट पूछा गया था यूट्यूब पे कि डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल्स को क्या करना है, प्रोडक्शन में लिखना है या सर्विस में लिखना है। देखो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस जो है उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखेंगे, उसको हम सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिखेंगे, क्योंकि लिए सर्विस डिपार्टमेंट के रिलेटेड ही ओवरहेड्स है, भले आपको क्वेश्चन पेपर में प्रोडक्शन के रिलेटेड अमाउंट है नहीं लिखना है, तो वो याद रखना है आपको। बाकी सब तो मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है। दीज आर द टिप्स फॉर योर पेपर। मैक्सिमम क्वेश्चंस में भी डिवाइडेड इनटू 10 मार्क्स, तो बहुत सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स में डिवाइड हो सकते हैं, वो भी ध्यान रखना है। कॉस्ट शीट रिकंसिलेशन फीफो जो है 20 मार्क्स में आ सकता है। लेबर कॉस्टिंग में से एक वैरायटी है ग्रॉस वेजेस वाला, वो भी 20 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और आपको याद रखना है सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज फाइनेंशियल में पोस्टिंग के मार्क्स थे, कॉस्टिंग में आप अगर ध्यान से चेक करो तो अगर आप सिली मिस्टेक कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें आगे रॉन्ग हो जाएगी और उससे रिलेटेड आपको पोस्टिंग के मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चंस के लिए भले आप 5 मिनट्स पढ़ने में डाले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया फिर आपके क्लेरिकल एरर जो होंगे वो कम हो सकते हैं, उस बेसिस पे ट्राई करें। बिकॉज कॉस्ट शीट की अगर बात करें, एक भी पॉइंट आपने फैक्ट्री का ऑफिस में लिख दिया और बाद में आपको पता चला कि अरे ये तो फैक्ट्री का पॉइंट है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, सब कैंसलेशन करना पड़ेगा, इसलिए पहले बाइफरकेशंस ध्यान से कर ले। तो यही थे कुछ बेसिक्स रिलेटेड टू योर टुडेज पेपर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, होप आज का भी पेपर आपका अच्छा जाए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं ऐसे लास्ट मिनट रिवीजन रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक्स, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।